हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस एंड दिस इज सत्यम परमार। फ्रेंड्स, आज के अपने सेशन में अपन लोग जो देख रहे थे सीटेट 2022 में जो आपके एसएसटी के पेपर हुए थे, इनका सॉल्व अपन देख रहे थे। और कंप्लीट सॉल्व है आपका एक्सप्लेनेशन के साथ में, यानी कि पूरी व्याख्या में रहता है। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें अपन लोग पर डे 60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके कई सेशन हो चुके हैं जो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमको गुलाम बना दिया है। ये किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन है जो कि इन चार ऑप्शंस में से किसी एक ने कहा है। मौलाना अब्दुल कलाम ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये जो कथन है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा और इसको आप डी को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। महात्मा गांधी को कहा जाता है क्या, राष्ट्रपिता, सभी लोगों को पता होगा। इन्होंने ही कहा था अंग्रेजी शिक्षा ने हमको गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी है, यानी कि जो अपने जो पाश्चात्य शिक्षा चल रही थी उसने क्या किया है, जो इंडियन लोग थे, भारतीय लोग थे, उनके मन में क्या आ गई है, हीन भावना पैदा हो चुकी है। औपनिवेशिक शिक्षा ने पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ दिखाया और भारतीय संस्कृति के गौरव को नष्ट कर दिया था। क्या किया था, जो पाश्चात्य शिक्षा थी उसने खुद को श्रेष्ठ बताया था और जो इंडियन संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, उसको काफी नीचा दिखाया था। उसका जो मेन गौरव था उस सबको उनने बर्बाद कर दिया था। औपनिवेशिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षित भारतीयों ने पश्चिम से आने वाली प्रत्येक वस्तु का स्वागत किया, ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। गांधी जी को महसूस होता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को उनके ही देश में अजनबी बना दिया है, यानी कि जो भारतीय लोग थे वो भी कहीं ना कहीं पाश्चात्य शिक्षा के गुलाम बने जा रहे थे, वो भी उसी की तारीफ कर रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि जो भारतीय लोग हैं वो भी क्या हो गए हैं, अपनी ही संस्कृति से अजनबी होते जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में चार पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अपन लोगों को करना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में उन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम प्रस्तुत करता है, यानी कि अपन लोगों को उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ से साउथ में जाना है। पहले इसमें दिया गया है पय्यमपल्ली, भीमबेटका, हुंसकी और बुर्जहोम। तो आप लोग को पता होगा बुर्जहोम सबसे पहले आएगा, क्योंकि बुर्जहोम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है आप लोगों का। तो डी को आप सबसे पहले कहाँ पे है, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो आप लोगों का एक ही से करेक्ट हो रहा है, लेकिन और भी देख लीजिए। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, हुंसकी देखने को मिलेगा आप लोगों को कर्नाटका में, और जो पय्यमपल्ली है सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी बी सी ए, यहाँ पे ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राचीन समय में, समय के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। प्राचीन समय की पूछा गया है, संगम साहित्य की रचना कब की गई थी, पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था, हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक चला था, स्वयंतम इनका भारत में आगमन कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो अगर संगम साहित्य की बात करें तो काफी पुराना है ये, 300 BC से लेकर के 300 CE तक के टाइम में ये चला हुआ है। तो ये का यहाँ पे सेकंड कर लेंगे, जो कि दो में दिया गया है, तो दो को अपन लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो सिकंदर आ गए थे 323 से लेकर के 325 BC के बीच में आए थे। तो इसका ए का, बी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों के सी में दिया गया है, तो ए को भी हट जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, हर्षवर्धन का शासन जो चला था वो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक चला था, और जो स्वयंसांग है इनका भारत में आगमन हुआ था 630 से लेकर के 643 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक है। सभी ऑप्शन याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़िए,
चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? कौन से पदार्थ का, जो लुप्त मोम की तकनीक से प्रतिमा यानी कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? मिट्टी का, मोम का, पिघली हुई धातु का, या फिर पकी हुई मिट्टी यानी कि टेराकोटा का। तो यहाँ पे जब लुप्त मोम की जो प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं तो इसमें किसका प्रयोग होता है? वैक्स का यानी कि मोम का ही प्रयोग होता होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लीजिए। ये जो मूर्तियां बनती थी ज्यादातर देवी देवताओं की बनती थी, इतना याद रखेंगे। बाकी का सब आप लोगों ने ऊपर कर लिया है। आगे पढ़िए। इनमें से कौन सा कथन सुलह कुल के विचार के बारे में सत्य है? कौन सा कथन हो जाएगा? यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन को बनाने का प्रयास किया गया। शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, या फिर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था। तो यहाँ पर सुलह कुल के विचार में पूछा गया है कौन सा सत्य हो जाएगा। तो सुलह कुल में यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय और शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था, पहला आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में पढ़िए। इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का पहला प्रयास किया गया था, ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी भी करेक्ट है। ठीक है, आगे इसमें शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जो सुलह कुल की नीति है इसका पालन शाहजहां और जहांगीर के द्वारा नहीं किया गया था, सी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न धर्मों के लोग के बीच में थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, ये इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था, तो आप डी को काट देंगे। ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आप लोगों के लिए ए हो जाएगा। आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कथन ए और आर, इनमें से आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। पहला इसमें बता रहा है कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया था। बिल्कुल सही कह रहा है, ये मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही दिया गया था। बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर फिर से निर्धारण करने का आदेश इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ए करेक्ट है। आगे इसका रीजन बता रहा है कि मुर्शिद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया था, जो भी राजस्व कर की व्यवस्था वहां पर चलाई जा रही है उसका फिर से निर्धारण हो, फिर से उसका कम किया जाए या फिर बढ़ाया जाए, वो उनके अनुसार था। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, साथ में इनकी व्याख्या भी सही कर रहा है। ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से हरप्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर से मुहर बनाते थे, मुहर सामान्यतः गोलाकार होती थी, या फिर मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी। देखिए, मुहरें जो थी गोलाकार भी होती थी, चौकोर भी होती थी, त्रिकोण भी होती थी, कई तरीके की मुहरें पाई गई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलाकार पाई गई थी, तो आप लोग बी को तो काट देंगे। बाकी का हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मुहरें बनाते हैं, ये आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी ए और सी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि दिया गया है आप लोगों के ऑप्शन डी में। ठीक है, देख लीजिए इसकी और भी व्याख्या। जो पुरातत्ववेत्ता यानी कि जो लोग खोज करते थे उन्होंने सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर हजारों मुहरों की खोज की है। इन मुहरों पर जानवर की सुंदर सुंदर आकृतियां मिली थी, जैसे कि आप लोग गेंडा को देख पाएंगे, बैल को देख पाएंगे, बाघ है, हाथी है, जंगली बैल है, इन सभी को देख पाएंगे। यह मुहरें पत्थर की बनी होती थी। मुहरों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? वाणिज्यिक था, यानी कि व्यापार के लिए इनका मुहरें बनाई जाती थी। जैसे अभी अपन लोग सिक्कों का प्रयोग करते हैं, पैसों का, रुपयों का प्रयोग करते हैं, उस टाइम में मुहरें थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट मुहर जो थी वो कैसी थी? चौकोर आकार की थी। उसमें सिर्फ कैसा बताया गया था? गोलाकार बताया गया था। सिंधु सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध मुहर पर जो आकृति मिली थी वो पशुपति मुहर की थी। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकेटक खाद्य संग्राह का समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं? इसका कारण पूछा गया है, कथन सही नहीं पूछा गया है इसका। तो वे आसपास के पौधों, फलों और जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे, ये बात तो सही ही है। इसमें सही नहीं पूछा गया तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही है।
आगे कह रहा है कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, बिल्कुल जानवर चेन यहाँ से वहां जाया करते थे, ये भी आप लोगों का सही ऑप्शन है, तो ये आपका गलत में आ जाएगा। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, ये भी सही है, इसीलिए वो स्थानांतरण करते थे जगह का, और वे एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके, ऐसा उन लोगों को कोई भी इरादा नहीं रहा था कि अपना अलग से राज्य बना लें, तो ये आप लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय है, बीर सेलिंग पंतुलु है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो जो आर्य समाज है इनकी स्थापना करी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कब इसकी स्थापना करी गई थी? बंबई में इसकी स्थापना की गई थी 10 अप्रैल 1875 को, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज भारत में एक एकेश्वरवादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो कि वेदों के अचूक अधिकारों में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था, ये इंपोर्टेंट नारा है, याद रखिएगा कि किसने कहा था वेदों की ओर लौटो, जैसे अभी अपन लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से ये नारा भी पूछा जा सकता है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, वो भी किसके द्वारा चलाया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी अमेरिका के लोगों को क्यों समर्पित की थी? कारण इसका पूछा गया है। कुछ अमेरिकी नागरिक अधिकार सक्रियतावादियों ने इसके प्रकाशन में आर्थिक मदद की, तो ये तो आप लोगों का आर्थिक मदद ऐसी इनकी कुछ भी नहीं रही थी, तो इसको आप काट देंगे। ठीक है, इसके प्रकाशन में कुछ साल पहले अमेरिकी ने दास प्रथा खत्म कर दी थी, ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था अमेरिकी के लोगों को समर्पित किया था। कारण उसका यही था कि जब इसका प्रकाशन हुआ तो उसके कुछ साल पहले ही जो अमेरिका में दास प्रथा चलती थी वो खत्म कर दी गई थी। ठीक है, बाकी का इस किताब में विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे अमेरिकी अश्वेतों ने नागरिक अधिकार आंदोलन लड़ा। फुले ने यह किताब तब लिखी जब भी अमेरिका में अल्पकालिक भ्रमण पर गए, तो ये आप लोगों के ऑप्शन ठीक नहीं है, सी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से सुमेल करना है। सत्यशोधक समाज है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सनातनी आंदोलन है, मथुआ पंथ है, स्वाभिमान आंदोलन है। तो जो सत्यशोधक समाज है इनके स्थापक आप लोग सभी जानते होंगे, ज्योतिबा फुले हैं। ए का थर्ड हो जाएगा जो कि 2 में दिया गया है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, आगे इसमें कह रहा है सनातनी आंदोलन, सतनामी आंदोलन, इसके जो संस्थापक रहे थे ये घासीदास रहे थे। बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है, ये भी कट जाएगा, बाकी के और भी देख लीजिए। मथुआ पंथ है, इनकी स्थापना करी थी हरिदास ठाकुर ने, सी का सेकंड हो जाएगा। स्वाभिमान आंदोलन है, इसकी स्थापना ई वी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी, तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट है वो बी हो गया है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने बुलंद किया था? लाला लाजपत के राय द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, या फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? तो ये जो नारा दिया गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के ही रहूंगा, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में और भी, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक है जो कि 1856 में महाराष्ट्र में हिंदू परिवार में जन्मे थे, इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। निधन 1920 में बता रहा है, थोड़ा बहुत ब्लर में याद रख लीजिए। तिलक 1890 में कांग्रेस में शामिल हुए, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया था, ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे, निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं के आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मनाया था? किसने बनाया था ये? अंबाबाई के द्वारा, पंडिता रमाबाई के द्वारा, तारा
ताराबाई शिंदे के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा। तो ये जो महात्मा गांधी थे, इनको महिलाओं को साथ में लेने के लिए मनाया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का, ठीक है। शुरुआत में महात्मा गांधी जो नमक आंदोलन था, ये आप लोगों ने देख ही लिया है। नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी 1925 में, 40वां अधिवेशन था। इनमें बनने वाली पहली महिला ये भारतीय अध्यक्ष रही थी। यह उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही थी और इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। ये आप इनके बारे में याद रखेंगे, सरोजनी नायडू के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन इनका बता रहा है कि ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय रहे थे। सीधी कार्रवाई दिवस ये 15 अगस्त को बता रहे हैं, तो ये आप लोगों का गलत है। पता होगा 15 अगस्त तो 1946 को क्या हुआ था। बॉम्बे अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, वो जुलाई 1946 में हुआ था, ये भी ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री बने थे, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका गलत हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1946 है, जुलाई 1946 दिया गया है। 16 अगस्त होना चाहिए था यहाँ पर, ना कि जुलाई होना चाहिए था, ठीक है। तो आप लोगों का बी और सी दोनों ही इनकरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो आपके जो सीबीएसई ने माना हुआ है, सीटेट वालों ने बी को ही माना है। तो चलिए आप लोग आगे बढ़िए। निम्नलिखित परतों में वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं, कौन सी परत में जलते हैं। समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में, या फिर बहिर्मंडल में। तो जो मीसोस्फीयर में, यानी कि ये बहिर्मंडल दिया गया है, जबकि मध्य मंडल होना चाहिए था। तो आप इन लोग इंग्लिश पर थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेंगे। जो उल्कापिंड होते हैं वो जल जाते हैं मीसोस्फीयर में आके, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर यामोत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, ये आप लोगों का बी करेक्ट है, ठीक है। और जो सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान दे रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा यानी कि ये भी 0 डिग्री की ही बात कर रहा है, तो आप लोग सी को काट देंगे, ए और बी को यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, जो कि ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं, कारण क्या है इसका, ये पूछा गया है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, या फिर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। तो यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा की बात कर रहा है, कारण उसका सबसे मेन यही है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, वहां कम से कम वर्ष में जो सूर्य होता है सिर के ठीक एक बार ऊपर पहुंच जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे सुबह के है मानक समय के अनुसार। देहरादून के समीप में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर और दिसपुर में 91 डिग्री 45 पूर्व देशांतर है। ये केंद्रीय सरकार के खुलने का कार्य समय क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो समय होगा, हमने ये वाला ऑप्शन आपको कई बार सॉल्व कराया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों का 8:42 होगा, और जो दिसपुर में होगा वो 9:37 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग द्वारा जुड़े गए हैं। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उनमें जोड़े गए हैं, बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जो कि आप लोगों के सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे भी सुमेलित करने के लिए दिए गए हैं। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है, सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिए गए हैं, उष्णकटिबंधीय वन दिए गए हैं, ये भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास में है, दक्षिण पूर्वी अमेरिका के पास में है। आगे ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है। तो आप लोगों के जो उष्णकटिबंधीय, एक मिनट, हाँ, जो पर्णपाती वन है वो कहाँ पे मिलते हैं,
भारत में मिलेंगे, यानी कि भारत में मिलेंगे आपके, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएंगे और मध्य अमेरिका में मिल जाएंगे। तो ए का यहाँ पे आप लोग थर्ड लगा लेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। लेकिन और भी देख लीजिए, बी का जो होगा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं, ये आपको भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास में देखने को मिलेंगे। बी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये भारत में मिलेंगे, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, मध्य अमेरिका में मिल जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये भूमध्य रेखा में मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय के पास में मिल जाएंगे। शीतोष्ण सदाबहार है ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में मिल जाएंगे। शीतोष्ण पर्णपाती है ये उत्तर पूर्वी में क्षेत्र में मिल जाएंगे, अमेरिका चीन में मिल जाएंगे, न्यूजीलैंड में मिल जाएंगे एवं चिली में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि जो अंतर्जात बल होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। दूसरा कह रहा है कि भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि हो जाती है। बिल्कुल दोनों ही ये बात सही कह रहा है। जो भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं ये किसके कारण आते हैं, इनमें कौन सा फोर्स लगता है, तो वो भी आपका अंतर्जनित फोर्स यानी कि बल लगता है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, साथ में इनकी व्याख्या भी करेक्ट हो जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो हमें सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। ओजोन की बता रहा है ये, ठीक है। आगे बता रहा है कि जो समताप मंडल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ट्रोपोस्फियर में बता रहा है, सॉरी क्षोभ मंडल में बता रहा है कि यहाँ पे ओजोन गैस पाई जाती है, जबकि ये किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। समताप मंडल में बता रहा है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने से पहले उल्का पिंड इसमें इस पर परत में आने से पहले जल जाते हैं, जो कि ये किसमें होते हैं, मीसोस्फीयर में होते हैं, ना कि स्ट्रेटोस्फीयर में होते हैं। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए, मध्यमंडल की बात कर रहा है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ में तापमान में अत्यधिक तीव्रता आती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, तापमान स्थिर और थोड़ा घटता रहता है। तो ये भी आप लोगों का गलत हो जाएगा। बाह्य वायुमंडल की बता रहा है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं इस परत के द्वारा फिर से परावर्तित कर दी जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है, ये वाला टर्म आपका सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आतपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है कहलाती है क्या, आतपन कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है ये इंसुलेशन के बारे में। आगे कह रहा है कि जो आतपन की मात्रा और प्रबलता होती है दिनों में, ऋतुओं में और साल भर में क्या होती है, बदलती रहती है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। साथ में कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में बढ़ती जाती है, जबकि क्या होता है, ध्रुवों की ओर में ये बढ़ती नहीं है, ये घटती है, ठीक है, घटती है ना कि बढ़ती है। तो ए और बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों के ए ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा जाल है, एशिया में पूछा गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जाल जो देखने को मिलता है वो रेलवे का मिलता है, ठीक है, रेल मार्ग का मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, दिए गए कथन के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव एक विशेष संसाधन किस कारण है, किसके कारण है मानव, कौशल का, ज्ञान का, प्रौद्योगिकी का, व्यक्तित्व का। तो जो मानव है एक विशेष संसाधन होता है, वो उसमें कौशल होता है, ज्ञान होता है, टेक्नोलॉजी मानव बनाता है, मानव के सॉरी जो टेक्नोलॉजी होती है वो मानव बनाता है, मानव के अंदर में नहीं होती है, किस व्यक्तित्व उनका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, संसाधन किस कारण है, तो वो कौशल है उसमें और ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही वो क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी उत्पन्न करता है। तो सबसे मेन क्या हो जाएंगे आप लोगों के, ए और बी हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला इसमें कह रहा है ये कि धात्विक खनिज मुख्यतः अवसादी शैल समूह में पाए जाते हैं, ठीक है।
अवसादी शैल समूह में बता रहा है धात्विक खनिजों को, तो ये आप लोगों का अवसादी में ना होकर के आग्नेय में दिया होता तो सही हो जाता, तो आप इसको काट देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है खनिज ईंधन जैसे कोयला पेट्रोलियम ये भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, बी सही है, ए गलत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा के अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? अंतरा, सस्यन, आश्रय पट्टी, समोच्च रोपण या फिर पट्टीदार रोपण। तो इनको कहा जाता है सेल्टर बेल्ट्स, कहा जाता है आश्रय पट्टी, इनको कहा जाता है जो कि कहाँ पे लगाई जाती है, अपरदन ना हो यानी कि जो मिट्टी बह जाती है हवा के द्वारा पानी के द्वारा, इन सभी को बचाने के लिए क्या करते हैं किनारे किनारे पेड़ लगा देते हैं जिससे कि वो मिट्टी इसका अपरदन बच जाता है। आगे बढ़िए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों एवं लक्षणों को कहा जाता है क्या? रीति रिवाज, सॉरी रिवाज एवं रूढ़ी, नृजातीयता, संस्कृति, आत्मसातकरण। तो यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्य हो रहे हैं, विश्वास हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, लक्षण हो रहे हैं, तो इसको कहा जाता है एक संस्कृति की बात कर रहा है कि जैसे हम कोई त्योहार बनाते हैं, आगे हमारी जो जनरेशन होगी वो भी कोई उस त्योहार को बनाएगी, जिस तरीके से हम कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर हम जो रहन सहन कपड़े वगैरह हम जो पहन रहे हैं वो आगे की पीढ़ी वो उसी तरीके से चलेगी, तो ये अपनी क्या होती है संस्कृति होती है ये। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यवहार स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करती है, कौन सी हो जाएगी यहाँ पे पूर्वाग्रह को जो प्रतिबिंबित करती है? ऑप्शन देख लीजिए इसके। अंग्रेजी बोलने वालों के व्यवहार में प्राथमिकता देना, केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को मित्र बनाना। तो देखिए, जो अगर किसी चीज में केवल दिया गया तो केवल को आप हमेशा नेगेटिव मान करके चलिएगा, क्योंकि केवल क्या है अहंकारी वर्ड है, तो अहंकारी वर्ड क्या होता है एक नेगेटिव माना जाता है, तो आप लोग क्या कर देंगे, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। इसमें पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करना यानी कि ठीक है बिहेवियर को ही अपने अंदर में क्या होता है प्रेजुडाइज पूछा गया है, तो हाँ यहाँ पे आप लोग को निगेटिव वाले ही बताने हैं। अंग्रेजी बोलने वालों के व्यवहार में प्राथमिकता देना, और आगे दिया गया केवल अपने धर्म व जाति के लोगों को मित्र बनाना है, ये क्या हो जाएगा अपने व्यवहार स्थिति में पहचानने के लिए कथन हो जाएंगे जो कि पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करते हैं, हमारे मन में जो धारणा होती है जो कि गलत होती है। ठीक है, तो इसमें गलत के रूप में ये पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर कह रहा है पहला कोस्टारिका को मध्य अमेरिका में सबसे स्वस्थ देश माना जाता है, दूसरा बता रहा है कि कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने की बजाय साफ व सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया गया था। तो ठीक है, इसीलिए तो जो कोस्टारिका है उसको मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ शहर मान देश माना गया है, क्योंकि जो सरकार थी उसने सेना पर खर्च करने के लिए उनके बजाय साफ व सुरक्षित पानी दिया, सफाई की, पोषण पर खर्च करने का उन्होंने निर्णय लिया था, इसीलिए तो वहां के लोग स्वस्थ हैं, तो ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, प्रजातांत्रिक सरकार का पूछा गया है, तो यहाँ पर सरकार के पास में कानून बनाने की ताकत तो है पर लागू करने की नहीं होती है, ऐसा नहीं है, सरकार जो कानून बनाती है उसको लागू भी वही करती है, तो ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कानून के बिना सरकार की निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, बिल्कुल सही है, कानून भी होना चाहिए और निर्णय लेने की शक्ति भी होनी चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, देखिए हर जगह पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते हैं, कहीं पर चुनाव अप्रत्यक्ष भी होते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे। प्रजातांत्रिक सरकार में कुछ वयस्कों को वोट देने का अधिकार होता है, कुछ वयस्कों को नहीं होता है, जबकि सब वयस्कों को होता है, तो यहाँ पर सी और डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं क्षेत्र में कार्य करती हैं,
कौन से क्षेत्र में ये कार्य करती हैं आप लोगों को बताना है। कृषि कार्य में, चिकित्सीय पेशे में, शिक्षण कार्य में, या फिर निजी कंपनियों में। तो जो महिला है ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, वो घर के अलावा अगर कहीं काम कर रही है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रही है, यानी कि कृषि कार्य वो ज्यादातर करती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जनगणना हुई थी, कृषि जनगणना, उसके अनुसार 73.2% जो ग्रामीण महिलाएं हैं ये कहाँ पे कार्य करती हैं, कृषि गतिविधियों में संलग्न है। केवल 8% जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, भूमि का स्वामित्व करती हैं। ठीक है, यानी कि जो भूमि जिनके पास में है वो उन कितनी महिलाएं हो जाएंगी, वो 8% है जिनकी खुद की भूमि है। आगे बढ़िए, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया था, या फिर मजदूर, एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी ही देनी चाहिए, ऐसा। दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे ये वाले। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन न देना गैर कानूनी है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार ने कोई भी वेतन मजदूरों के लिए तय किया गया है फिर उसको कोई नहीं देगा तो वो कैसा हो जाएगा, गैर कानूनी कार्य वो हो जाएगा, जो कि आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह किस देश किसका निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। निर्वाचित सरकार का, भारत के लोग, राज्यसभा के सदस्य, या फिर लोकसभा के सदस्य। तो यह यानी कि भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय भी लेता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगह एक श्रमिक के रूप में महिला की स्थिति के रूप में निर्दिष्ट है, कौन सा है, दोहरा बोझ है, अधिभार है, दोहरा काम है, या फिर अधि समय है। तो यहाँ पे महिला की स्थिति का हो गया, यहाँ पे दोहरा बर्डन है, यानी कि महिला क्या होती है, अपने घर के भी कार्य करती है, बाहर भी कार्य करती है, फिर से जाकर वो घर पे कार्य करती है। तो ये क्या हो जाएगा, महिला पर दोहरा बोझ होता है, डबल बर्डन होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया, किस काय का नहीं किया गया इसमें, सामाजिक का, आर्थिक का, राजनीतिक का, कानूनी का। तो यहाँ पे जो प्रस्तावना में कानूनी उल्लेख कोई नहीं किया गया है, लीगल नहीं किया गया है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना की और भी बात करें, मेन मेन जो शब्द लिया जाए तो वहां पे विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है, इन 5 वर्ड का वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए। अगर पारसी समुदाय ने रिशद अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसे ऐसा करने के लिए सक्षम बनाता है, कौन सा प्रावधान हो जाएगा यहाँ पे, ये किसके लिए है, रिशद है अपनी आस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोल रहा है, क्या खोल रहा है, एक शैक्षिक संस्थान पढ़ाने के लिए खोल रहा है, तो उसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। देखिए धार्मिक तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो क्या खोल रहा है, शिक्षण का खोल रहा है, सभी धर्म के बच्चे उसमें आ सकते हैं। समानता का अधिकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें, इसमें क्या होगा, राइट टू कल्चर डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, यानी कि सांस्कृतिक विकास और शिक्षा का अधिकार का इसमें एक्ट लगेगा, जो कि आपका आता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 के बीच में होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में होता है, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 19 से 22 के बीच में होता है। चलिए आगे बढ़िए। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास में होता है, विधायिका के पास में, कार्यपालिका के पास में, न्यायपालिका के में, या फिर संसद के में। तो ये जो संविधान की व्याख्या है इसका अधिकार टोटली जुडिशरी के पास में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। दो हजार पांच में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की डैश खाली जगह दी गई है स्थिति का अध्ययन और जांच की थी, किसकी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीतिक और सामाजिक,
राजनीतिक और शैक्षिक, शैक्षिक और सामाजिक, सामाजिक और शैक्षिक। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, जो यहाँ पे सामाजिक और शैक्षिक नीति है, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के आधार को अधिकार को स्थापित किया था? किसने किया था? एक बार कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया, घायल किसान हकीम शेख, ओम प्रकाश को दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, या फिर संयुक्त जो किसान मोर्चा था इनका विरोध हुआ। तो यहाँ पे किसी जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया था। यहाँ पे एक बार में क्या हुआ था, कुछ झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सीई कॉमन एरा शब्द का प्रयोग किसके स्थापन पर किया गया था? बीसीए के, एई के, एडी के, या फिर एसीई के? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो सी हो जाएगा। एडी के स्थान पर जो प्रयोग किया गया था वो कॉमन एरा यानी कि सीई का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान की अंतः विषयक उपागम के संबंध में निम्नलिखित कथन है, कथन दिए गए हैं यहाँ पे। सभी थीम की अंतः विषयक तरीके से परिचर्चा यानी कि चर्चा होनी चाहिए। आगे कह रहा है, योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतः विषयक चिंतन आवश्यक है। आगे और भी दिया गया है, विषय की परिधियों से खेल परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट होगा, यहाँ पे क्या होती है, सभी थीम की अंतः विषयक तरीके से परिचर्चा चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सभी थीम पर चर्चा नहीं हो पाती है। आगे कह रहा है, पाठ्यचर्या के लिए योग्य बनाने वाली पाठ्यचर्या के लिए अंतः विषयक चिंतन आवश्यक है, ये आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। विषय की परिधियों को खोलने की आवश्यकता है तथा प्रदत्त परिघटनाओं को समझने के लिए उपागमों की बहुलता का प्रयोग किया जाता है, ये भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया गया है, इसमें विषय जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि का विशिष्ट विधि तंत्र होता है, ये भी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो कि ऑप्शन में दिया गया है बी सी डी दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की विधि किस स्तर की शिक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? किस स्तर की हो जाएगी, बुनियादी स्तर की, प्रारंभिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की, या फिर यह हर एक स्तर पर उपयोग में हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, सामाजिक विज्ञान के विषय की बात कर रहा है, कहानी पढ़ने की विधि की बात कर रहा है, तो यह हर एक स्तर में क्या होती है, उपयोग में हो सकती है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान में कुछ शब्दावली अथवा संकल्पनाओं के संबंध में असहजता की स्थिति में एक शिक्षक से क्या अपेक्षित किया जाएगा? क्या होगा यहाँ पे, उसे ऐसे विषय को कक्षा में नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल गलत दिया गया है। उसे ऐसे विषयों के शिक्षण से बचना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। सभी के गौरव का सम्मान करते हुए उसे संवेदनशीलता के साथ में पढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन सटीक है। आगे भी पढ़ लीजिए क्या दिया गया है, उसे उच्च स्वर में पढ़ना चाहिए और अगले विषय पर चला जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो अगले विषय पर चला कैसे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, अगर आंध्र प्रदेश की एक शिक्षिका है, समानता विषय का अध्यापन कर रही है, तो निम्नलिखित में से किसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का उल्लेख परिचर्चा के लिए एक अधिक प्रासंगिक उदाहरण के रूप में होगा? चेंचू का, मिसीमिस का, बेगा का, या फिर ओरड़ का? तो यहाँ पे जो अगर आंध्र प्रदेश की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये बात हो जाएगी चेंचू जनजाति है ये, जो कि वहीं पे पाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से अधिक उपयुक्त होगा? क्या होगा यहाँ पे, विद्यार्थियों को केवल खाद्य सुरक्षा इस पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु ही पढ़ाए जाने की आवश्यकता है, सूखे अकाल पर चलचित्र फिल्म देखना, बंगाल में जो सूखे अकाल हुआ यानी कि सूखा पड़ा था, अकाल हुआ था, इन पर क्या है, फिल्म देखना, हरित क्रांति को पुरालिखित फोटोग्राफ चित्र देखना, मिड डे मील
भोजन लेते विद्यार्थियों के साथ में पारस्परिक क्रिया करना। तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में खाद्य सुरक्षा जैसे विषय को पढ़ाते समय खाद्य सुरक्षा की यहाँ पे बात कर रहा है। तो इस हिसाब से आपके जो ऑप्शन सही होंगे वो विद्यार्थी को केवल खाद्य सुरक्षा पर पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु ही पढ़ाएं, केवल दिया गया है, काट दीजिए, निगेटिव वर्ड हो जाएगा आप लोगों का। बंगाल में जो सूखा पड़ा था इस पर चलचित्र यानी फिल्म अपन लोग दिखा सकते हैं, इससे भी बच्चों को खाद्य सुरक्षा क्या होती है इनके बारे में, खाने के भोजन का जो उनको मूल्य होता है वो अपन लोग उनको सिखा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रांति के पुरोलिखित जो हरित क्रांति है उसमें फोटोग्राफ में अपन लोग दिखा सकते हैं कि किस तरीके से क्रांति हुई थी, किस तरीके से पैदावार यहाँ पे बढ़ाई गई थी, किस तरीके से कमी थी, ये भी आप लोग बच्चों को दिखा सकते हैं। आगे इसमें कह रहा है कि जो मिड डे मील चलता है दोपहर में भोजन लेते जो विद्यार्थी होते हैं उनके साथ में संवाद कराया जाए बच्चों से कि जैसे किस गरीब घर से आते हैं, उनका घर में क्या होता है, किस तरीके से वो भोजन का मूल्य समझते हैं, उनको वो भी बात करा सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं पारस्परिक। तो ये भी एक अच्छा पहलू माना जाएगा। बी सी डी तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे जो कि डी ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी गतिविधियां मिडिल स्तर पर अधिगमकर्ताओं में उपनिवेशवाद के संप्रत्यय की कल्पना और उसके विश्लेषण हेतु उपयुक्त रहेंगी, कौन सी रहेंगी? आधुनिक भारतीय भाषा में लगान या फिर उस जैसी ही कोई फीचर फिल्म देखना, पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु पर आधारित व्याख्यान यानी कि लेक्चर देना, किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा भूमिका का निर्वहन करना, ब्रिटिश भारत में उपनिवेशवाद जिस तरह से था उससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को बोलकर लिखवाना। यहाँ पे जो आप लोगों का ऑप्शन गलत होगा, सॉरी सही होगा, उपनिवेशवाद के संपत्ति में पूछी गई है। तो यहाँ पे जो पहला हो जाएगा आधुनिक भारत भाषा में लगान या फिर उस जैसी कोई भी फीचर फिल्म देखना, किस तरीके से जो पिछले टाइम में कर लगता था, टैक्स लगता था, ये भी सी में आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। और साथ में ही किसी एक आंदोलन में महात्मा गांधी के जीवन पर बच्चों द्वारा कोई भूमिका बनाना, एक निर्वहन करना यानी कोई एक नाटक वगैरह दिखाना बच्चों को, तो ये भी अच्छा माध्यम माना जाता है बच्चों को समझाने के लिए। तो ये आपका सी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है जो कि सी ऑप्शन में दिए गए हैं। आगे बढ़िए। सांस्कृतिक गतिविधियां सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं क्या? आत्म अभिव्यक्ति के अवसर, भेदभाव के अवसर, आत्म केंद्रितता के अवसर या फिर अलगाव? तो ये जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं सामाजिक विज्ञान के छात्रों को प्रदान करती हैं, ये आत्म अभिव्यक्ति के अवसरों को ये प्रदान करती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाज और कक्षा में विद्यमान विविधता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे, बढ़िए इन ऑप्शंस को। कक्षा परिचर्चा में बहु संस्कृतियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बहु संस्कृतियां होती है ये वाली परिचर्चा जरूर करनी चाहिए कक्षा में, जिससे कि बच्चों को एक दूसरे की संस्कृति से जुड़ाव हो जाए। केवल उन्हीं उदाहरणों को उठाएं, इन पर चर्चा करें जो बहुसंख्यक के लिए प्रासंगिक हो, केवल दिया गया है, फिर से आप लोगों का ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसको आप लोग काट देंगे, आगे बढ़ जाएंगे इसको छोड़ के। विद्यार्थी को कक्षा में अपने निजी अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है, बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो खुद अनुभव करते हैं उनको जरूर उनके भावों को प्रकट कराना चाहिए बच्चों को, उनके अंदर की भावनाएं जो भी है वो उनको बोलने देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को विविधता की सराहना करने हेतु सहायता करना, बिल्कुल ठीक है, ये भी आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए सी डी यहाँ पे करेक्ट है जो कि सी ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? आलोचनात्मक चिंतन की बात कर रहा है, सामाजिक विज्ञान की ये बात कर रहा है। ठीक है, महिलाओं, क्या यह कहना सही है कि महिलाओं को राजनीति में नहीं होना चाहिए, और इसका कारण भी पूछा गया है। तो आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पे बात कर रहा है, तो पहले तो आप लोग इसको सही मान करके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। सदाहरित वनों और पतझड़ी वनों में क्या अंतर है? इसमें देखिए कोई भी आलोचनात्मक चिंतन नहीं होगा, ये तो उनका एक प्रकृति है, प्रकृति के बारे में वो लोग बता देंगे, कोई भी यहाँ पे आलोचना नहीं होगा, बी को काट देंगे।
भूकंप से क्या अभिप्राय है? भूकंप में उत्पन्न 3 तरंगों की व्याख्या करनी है। इसमें भी सीधे सीधे उनका आंसर दे दिया जाएगा। यहाँ पे भी कोई भी चिंतन पैदा नहीं हो रहा है। संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है? तो इस अर्थ बता देगा। इसमें भी कोई भी आलोचना नहीं होनी है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे नहीं होनी है बच्चे की। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो कि ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। विद्यालय में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार करने के लिए निम्नलिखित सेवा पूर्व या फिर सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन आयामों को ध्यान में रखना चाहिए? कौन से आयाम है यहाँ पे? शिक्षा शास्त्र, जो शिक्षा शास्त्र होता है उसके एकमात्र स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तकों पर बल देना चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु के यंत्रवस्त कठिनस्थ करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन्मुख होना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों के संग्रह हेतु अवसर देने चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय में शिक्षक पुस्तिका यानी कि टीचर हैंडबुक का उपयोग अनिवार्य बना देना चाहिए। तो यहाँ पे सेवारत है, सेवा पूर्व या फिर सेवारत शिक्षक की बात कर रहा है ये। शिक्षण कार्यक्रम में किन आयामों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा ये कि जो शिक्षिका है उसको विभिन्न रणनीतिक योजना बनाने एवं संसाधनों को संग्रह हेतु अवसर देने चाहिए, क्योंकि वो सेवारत हो चुके हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय में, विभिन्न विषयों में जो शिक्षक पुस्तिका होती है, टीचर हैंडबुक होती है, उसका उपयोग क्या होना चाहिए यहाँ पे? अनिवार्य बना देना चाहिए, ठीक है। तो सी और डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की समग्र समाज अंतः शास्त्रीय उपागम द्वारा संभव है, ठीक है। आगे रीजन इसका क्या कह रहा है कि भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या मुख्यतः विषय उपागम द्वारा स्थापित या फिर आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रही है एक दूसरे की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरफ माध्यमिक की बात कर रहा है, दूसरी तरफ सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान को एक विषय विशेष के रूप में समझने के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए तथा तो सही विकल्प यहाँ पे अपन लोगों को चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के विषय विशेषों में विशिष्ट पद्धतियां हैं और अतः अनुशासनिक सीमाओं को समझाने, परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरचित करना चाहिए, ठीक है। आगे ये कह रहा है सामाजिक विज्ञान के विषयों में विशिष्ट पद्धतियां होती है, अतः अनुशासनिक सीमाओं को सामाजिक परिघटना की बेहतर समझ के लिए संरचित करना चाहिए। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, उसमें समाजवाद के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ए गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है इसको भी देख लीजिए। विषय विशेष के रूप में सामाजिक विज्ञान स्वरूप से व्याख्यात्मक है और अतः वैज्ञानिक जांच के लिए ये उपयुक्त नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक जांच के लिए भी ये उपयुक्त है, तो आप लोगों का जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये भी गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। अगर किसी को लगता है कि स्रोत गड़ गए हो सकते हैं तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बताइए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसमें। जिसने स्रोत का प्रलेखन किया था उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाएं। उस सामग्री की पड़ताल कीजिए जिससे स्रोत बनाया गया हो। स्रोत को अन्य स्वीकृत स्रोतों के साथ में परिपुष्ट कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन तीनों ही सही हो जाएंगे आप लोगों के स्रोत के बारे में, ठीक है। ए बी सी तीनों यहाँ पे सही हैं, जो कि आप लोगों के सी ऑप्शन में दिए गए हैं। इस बार सी का बहुमत रहा है, आप लोग भी सी का बहुमत करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फ्रांस की क्रांति विषय पर की जाने वाली परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रूबरिक अधिक उपयुक्त होगा? विश्लेषणात्मक रूबरिक, जांच सूची, समग्र रूपग्रह। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल हो सकता है। अपन लोग उसके बारे में सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि दिया गया है किसमें? ए ऑप्शन में ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान के आकलन का प्रयास करता है? कौन सा करता है? हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या है? तथ्यात्मक आकलन का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है, तथ्य इसमें ढूंढे जाने हैं,
ठीक है, आगे इसमें पढ़िए। तो ये इसमें तथ्य नहीं होगा, इसमें क्या होगा, पक्ष और विपक्ष की अपन लोगों को आलोचना और समालोचना करनी है, तो इसको आप लोग ए हट जाएगा। आगे बढ़िए, मकर रेखा, कर्क रेखा और सूर्य की गति की व्याख्या करनी है यहाँ पे, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तथ्य नहीं दिए जाएंगे, सूर्य की व्याख्या करनी है, ठीक है, ये भी हटा दीजिए। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे सूर्य की गति की व्याख्या करनी है ना, तो हाँ इनका तथ्य अपन लोगों को देखने पड़ेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी इसमें नहीं आएगा, सी इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, वही अपन लोगों को आलोचना समालोचना करनी पड़ेगी, तो ये भी आप हटा देंगे। पृथ्वी को विभिन्न गोलार्धों और इनमें विभाजित किया जाता है, तो इसमें भी क्या करेगा, अपन लोगों को तथ्य देखने पड़ेंगे, डिग्री देखनी पड़ेंगी, कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ये सभी अपन लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो डी भी करेक्ट हो जाएगा। बी और डी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि डी ऑप्शन में दिए गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, शैक्षिक आकलन के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम निर्माणात्मक मूल्यांकन के संप्रत्यय का उपयोग किया था? बेंजामिन ब्लूम ने, माइकल सेवन ने, लॉरेन डब्ल्यू एंडरसन ने, या फिर जॉन डीवी ने? तो यहाँ पर शैक्षिक आकलन के लिए किया गया है, सबसे पहले जो मूल्यांकन का संप्रत्यय किया था वो किया गया था माइकल सेवन के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नियोजन आकलन है, नैदानिक आकलन है, निर्माणात्मक आकलन है एवं योगात्मक आकलन है। तो यहाँ पे जो नियोजन आकलन होता है, ये प्रवेश व्यवहार का आकलन होता है, जो कि ए के थर्ड में दिया गया है। नैदानिक आकलन यानी कि निदान के लिए होता है, जो कि पूर्वी अमेरिका एवं अधिगमक समस्याओं का ये हल हो जाएगा। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन होगा, जो कि होता है विषय सामग्री में, यहाँ पे होगा सॉरी ए का, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लें, आप लोगों को दिखेगा नहीं। ओहो, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आरटीआई एक्ट है, जो कि 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए, किसका करना चाहिए, बच्चे के ज्ञान का, क्षमता का, प्रतिभा का, इनको प्रोन्नत करना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसमें कह रहा है प्रौद्योगिकी का प्रामाणिक एवं उपयुक्त उपयोग होना चाहिए। देखिए आरटी एक्ट है, यहाँ पे प्रौद्योगिकी का प्रामाणिक एवं उपयुक्त उपयोग होना चाहिए, यानी कि अभी प्रौद्योगिकी नहीं आएगी, बच्चे अभी छोटी क्लास के हैं। भय, सदमे एवं चिंता से बच्चों को मुक्त करना, बिल्कुल बच्चों के मन से डर को दूर करना है, बच्चों को उसके विचार स्वतंत्रता से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए सी डी तीन ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के करेक्ट हो जाएंगे, जो कि दिए गए हैं सी ऑप्शन में, फिर से सी का बहुमत रहा है, बधाई हो, फिर से सी करेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं? पहला कह रहा है भारत में मसालों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, अधिगम के प्रतिबिंबित हो रहे हैं, अधिगम के प्रतिफल में। ठीक है, आगे कह रहा है ये मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं, वर्गीकृत करना है, विषमता दर्शानी है, तुलना कीजिए, जानकारी और उनके स्रोतों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण कीजिए, बहिर्वेशन कीजिए, घटना और उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना है, कारण देना है, कारण एवं प्रभाव का आकलन करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा, अधिगम प्रतिफल प्रतिबिंबित हो रहे हैं, तो यहाँ पे अधिगम प्रतिफल जो होंगे, वर्गीकृत करना है कि कहाँ कहाँ पे मसाले हो रहे हैं, कौन कौन से राज्य में हो रहे हैं। ठीक है, विषमता दर्शानी है, कौन कौन सी जगह पे अलग अलग तरीके की चीजें पाई जाती हैं, और तुलना करनी है। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे, एवेल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, जानकारी स्रोत का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना है, ये हटा दीजिए यहाँ पे, बहिर्वेशन करना है, घटना एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना है, इसमें कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है, ये आपकी क्लाइमेटिक यानी प्रकृति की ये चीजें हैं यहाँ पे, तो इनमें कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है।
कारण देना है कि क्यों यहाँ पे ये जो अलग तरीके की चीजें पैदा होती हैं, कारण इसका बताना है, और उनके प्रभाव क्या है कि इस तरीके की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पे ये चीजें पैदा होती हैं। तो आप लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए और डी हो जाएगा, जो कि दिया गया है किसमें, डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का एक और सेशन कंप्लीट हो चुका है, एक पेपर कंप्लीट हो चुका है, बाकी के और भी पेपर हैं जो कि आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वहां से आप लोगों को कंप्लीट सॉल्वेंस का दिख जाएगा। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।